खबर अजमेर से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो युवकों को 125 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। थाना प्रभारी रवीश कुमार सांवरिया ने बताया कि गुगरा रोड पर स्कूटर सवार दो युवकों की तलाशी ली गई, जिसमें आरोपियों से 125 ग्राम चरस बरामद हुई। ये दोनों युवक लोहा खान क्षेत्र के रहने वाले हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। जनरल गश्त थी हमारी, उस दौरान हमने दो व्यक्तियों को स्कूटर पर बैठे हुए थे जो पुलिस की गाड़ी को देख करके अचानक अपना गाड़ी रवाना होकर भागने की कोशिश करने लगे। उसी दरमियान हमारे द्वारा उन व्यक्तियों को डिटेन किया और उनसे पूछताछ की और उनकी तलाशी ली। तो दो व्यक्ति थे, सद्दाम हुसैन है और दूसरे का नाम गोपाल है। ये लोहाखान पीलीखान के रहने वाले।